आर्टिकल 370 एक गहराई से तैयार की गई फिल्म है जो 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के इंटरनेट पर प्रसिद्ध होने और फिर भारतीय सेना द्वारा उन्हें एक छोटे मतभेद में मार गिराने की कहानी कहती है। इस घटना के बाद कश्मीर में हिंसा और बंद की स्थिति बन गई थी। फिल्म ये भी बताती है कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रमुख आतंकवादी रियाज नाइकू, जिन्हें फिल्म में जाकिर नाइकू कहा गया है, को सुरक्षा बलों ने मारा। फिल्म दर्शाती है कि किस प्रकार भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर संविधान का गहन अध्ययन किया और आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जरूरी छिद्रों को पहचाना। इसके अलावा फिल्म में कश्मीर के दो राजनीतिक परिवारों और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को कैसे वित्त पोषित किया जाता है, इसका विश्लेषण भी किया गया है। यामी गौतम और प्रिया मणि की शानदार अभिनय कौशल दिखाई देती है। फिल्म में दिखाए गए पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दृश्य दर्शकों को भावुक कर देते हैं। संसद में हुई बहस के दृश्य भी इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आर्टिकल 370 सिर्फ मनोरंजक ही नहीं बल्कि एक शैक्षिक दस्तावेज भी है जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की सराहना की है। ये फिल्म कश्मीर पर बनाई गई अन्य फिल्मों से काफी अलग है क्योंकि इसमें गहन शोध, भावनात्मक गहराई, संतुलित एक्शन और भारतीयता की गर्वान्वित भावना को बखूबी प्रस्तुत किया गया है। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।